दोस्तों, जैसा कि हमने गुरु द्रोणाचार्य के जन्म वाले एपिसोड में आपको बताया था कि महाभारत और रामायण काल के कई योद्धाओं और महापुरुषों के जन्म की घटनाएं बड़ी ही अजीबोगरीब रही थी, जिनके बारे में सुनकर उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता था। परंतु देखा जाए तो वह युग ही ऐसे थे जिनमें सत्य और धर्म का स्थान बहुत ऊंचा था। इसी कारण ऋषियों और तपस्वियों के तपोबल से इस प्रकार की घटनाएं हो जाना एक साधारण सी बात थी। उस समय ऋषि मुनि अपने तपोबल से किसी भी अनहोनी को होनी में बदल देते थे, अथवा उनके द्वारा कई बार ना चाहते हुए भी अजीबोगरीब घटनाएं घट जाया करती थीं। ऋषि श्रृंगी की जन्म की घटना भी ऋषि मुनियों की इन्हीं अजीब गरीब घटनाओं में से एक है। दोस्तों, यह श्रृंगी ऋषि वही है जिनका विवाह भगवान राम की बड़ी बहन शांता के साथ हुआ था। ये कहानी आप हमारे एक पिछले एपिसोड भगवान राम की सगी बहन थी शांता में आपने देखी होगी। और इन्हीं श्रृंगी ऋषि ने ही निसंतान राजा दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था, जिसके कारण ही राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। कैसे हुई थी ये अनहोनी घटना, चलिए इसे जानने के लिए देखते हैं श्रृंगी ऋषि के जन्म की ये कहानी। दोस्तों, ऋषि श्रृंगी महात्मा विभांडक ऋषि के पुत्र थे। महात्मा विभांडक एक बहुत ही बड़े तपस्वी थे। कहा जाता है विभांडक ऋषि के कठोर तप से देवराज इंद्र घबरा गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं विभांडक अपने तप के बल से उनका स्वर्ग का राज्य उनसे ना छीन ले। इसी डर से उन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। बताते हैं कि एक दिन सुबह विभांडक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे कि तभी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा उर्वशी बड़ी ही कामुक अंदाज में उस सरोवर के पास आई। पानी में स्नान कर रहे विभांडक ऋषि की नजर जब उस कामुक उर्वशी पर पड़ती है तो उनके मन में भी काम वासना जाग उठती है और इस कारण उनका वीर्य पानी के भीतर ही स्खलित हो जाता है। इस कारण विभांडक ऋषि का तप भंग हो जाता है। इस कारण वह स्नान करके अपने आश्रम लौट जाते हैं। विभांडक ऋषि के चले जाने के कुछ समय बाद एक प्यासी हिरणी उस सरोवर में पानी पीने के लिए आती है, तो वह हिरणी सरोवर के पानी के साथ विभांडक ऋषि के स्खलित हुए वीर को भी पी जाती है। इस कारण वह हिरणी गर्भ धारण कर लेती है। दोस्तों, कहा जाता है कि वह हिरणी एक देव कन्या थी जिसे किसी कारणवश परम पिता ब्रह्मा ने हिरणी बनने का श्राप दे दिया था। श्राप मिलने के बाद वह देव कन्या ब्रह्मा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी और देव कन्या के बहुत विनती करने से ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया था। और तब उन्होंने उस देव कन्या से ये कहा था कि हिरण जाति में रहकर जब तू एक मुनि पुत्र को जन्म देगी तब तू अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसीलिए समय आने पर जब उस गर्भवती हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वह ब्रह्मा जी के उस श्राप से मुक्त हो गई थी और हिरणी से फिर एक देव कन्या बन गई थी। परंतु बालक का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था, इस कारण उस बालक के सर पर हिरण की तरह एक छोटा सा सींग उगा हुआ था। इसी सींग के कारण ही उसी बालक का नाम श्रृंगी पड़ा था। दोस्तों, बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि को जन्म देते ही जब वह देव कन्या अपने स्त्री रूप में आई तो वह अपने उस बच्चे को वहीं छोड़कर अपने देवलोक को चली गई। इस कारण विभांडक ऋषि को स्त्रियों से बड़ी घृणा हो गई थी। फिर विभांडक ऋषि ने अपने हाथों से अपने उस पुत्र श्रृंगी का पालन पोषण किया था और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक महान तपस्वी बनाया था। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत काल की ऐसी और भी कई रोचक कहानियां हैं जिनके बारे में हम आपको अपने आने वाले एपिसोड्स में बताते रहेंगे। हमारी ये कहानी एक हिरणी के गर्भ से जन्मे थे श्रृंगी ऋषि, आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।